परमेश्वर की ओर से इब्राहिम के बुलाए जाने का वर्णन। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। सो अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ भी गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहां मोरे का 5 वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से कूच करके वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसकी पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है, और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राम कूच करके दक्षिण देश की ओर चला गया, और उस देश में अकाल पड़ा, और अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारै से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, सो वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको तो जीती रख लेंगे, सो यह कहना कि मैं उसकी बहन हूं, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि यह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, सो वह स्त्री फिरौन के घर में रखी गई, और उसने उसके कारण अब्राम की भलाई की, सो उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासिया, गधे गधिया और ऊंट मिले। तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। सो फिरौन ने अब्राम को बुलवाकर कहा, तूने मुझसे क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति समेत जो उसका था विदा कर दिया।